हाँ तो अभी चलो बात शुरू करते हैं। हम लोग 20 दिन तक ब्लॉग क्यों नहीं डाले थे, कहाँ थे, कहाँ गए भाई, क्या हुआ। तो सबसे पहली बात, मैं इंडिया का सबसे ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग रोड बोलो या ट्रैक बोलो जो है वो दिखाने वाला हूँ। बड़े से खड्डे में, माय गॉड, क्या मज़ा आ रहा है। देख रहे हो, खड्डे पे खड्डा, खड्डे पे खड्डा, जो इधर से जाए फट जाए सबका चड्डा। तो हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग आफ्टर 20 डेज। 20 डेज क्यों, उसके पीछे का राज मैं अभी रास्ते में बताऊंगा। और आज बहुत ही ज़बरदस्त वाले जगह पे जाने वाले हैं, ऑफ रोडिंग का बेताज बादशाह हिमालयन। गेट खोल देता पहले, मतलब ऐसा ऑफ रोडिंग आपने पूरे इंडिया में नहीं कहीं देखा होगा। यहाँ पे स्पेशली गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है या नेचुरली क्रिएट हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको दिखाता हूँ। पहले आप आगे बढ़ चलते और 20 दिन का लफड़ा क्या था वो आपको बताता हूँ। 20 दिन तक क्यों ने व्लॉग डाला और ऑफ रोडिंग का भी पूरा दिखाता हूँ, कहाँ है कहाँ नहीं। हाँ तो अभी चलो बात शुरू करते हैं। हम लोग 20 दिन तक व्लॉग क्यों नहीं डाले थे, कहाँ गए भाई, क्या हुआ। तो सबसे पहली बात, मेरा माइक ख़राब हो गया था। ओके, तो माइक ख़राब हुआ तो दो चार दिन मैंने सोचा माइक बिना व्लॉग डालना अच्छा नहीं रहेगा, तो चार दिन तो उधर ही चले गए। तो माइक आया, माइक मैंने मंगाया अच्छा सा वापस से, ब्रांडेड एकदम। मैं पहले एकदम अजीब सा माइक यूज़ करता था, तो उसको मैंने हटा के सोनी का सिलेक्ट किया और ढूंढा वूंढा यहाँ वहाँ। सोनी आजकल कुछ ज़्यादा ही वायरल चल रहा था, तो मैंने चल यही मंगा लेता हूँ, ठीक है, बेस्ट है मोटो व्लॉग के लिए फ़िलहाल। और फिर दूसरे बाद अभी चार पाँच दिन वो वहाँ ही हो गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक दिन हम लोग चले गए क्रिकेट खेलने के लिए, और मैं चक्रमगिरी कर रहा था, तो उधर मेरे को पैर में ना बहुत ज़ोरदार लगा भाई, पूरा मेरा मांस चढ़ गया था पैर में। तो चार पाँच छः दिन उसी में मेरे लग गए ठीक होने में, दर्द इतना हो रहा था ना, मेरा हालत टाइट था सच्ची में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चल अभी ये ठीक होगा उसके बाद ही मैं निकलूँगा, तो वो हो गया। फिर मैंने अभी ये सोचा कि चलो ये भी हो गया, उसके बाद क्या करें। उसके बाद भाई आ गई दिवाली का सफाई, अब दिवाली की सफाई में लग गए। तो दिवाली का सफाई में लग गए पूरा सब घर में साफ़ सफाई वगैरह होने लग गया। तो मैं सोचा अब कहाँ जाऊँ मैं भी, बीच बीच में ये भी होने लग गया। फिर मैं बोला चलो ठीक है, इसमें भी 5-6 दिन निकल गए। दुकान वकान में साफ़ सफाई करने के बाद ना भाई वहाँ पर भी हो गया टाइम, तो उधर ही तो अभी इधर ही 12-13-14 दिन हो गए भाई। अब 14 दिन हो ही गए, फिर भाई आ गया मनी भाई का प्रॉब्लम। मैं सोचा था अभी मनी भाई तो है नहीं, तो क्या कर रहे फिर, तो जब मनी भाई आएगा तब जाएंगे। और आज इसलिए निकला हूँ क्योंकि आज आप लोगों को मैं इंडिया का सबसे ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग रोड बोलो या ट्रैक बोलो जो है वो दिखाने वाला हूँ, और उस पर बाइक भी दौड़ाने वाला हूँ गाइस। तो आज देखते रहो और आगे बनते रहो, पूरा व्लॉग देखना। वैसा वाला ऑफ रोडिंग बाइक कहीं पे भी नहीं होगा ऑल ओवर इंडिया में। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा ना तो आप लोग भी आना बाइक लेके ऑफ रोडिंग, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ऑफ रोडिंग में इंटरेस्ट होना भाई बहुत मज़ा आने वाला है, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। ये भी एक ऑफ रोडिंग है लेकिन ये क्या ओपन फॉर ऑल है, तो इसमें सारे लोग ऑफ रोडिंग करते हैं, कार बस ट्रक ब्रक ये वो जो बोले वो, कितनी भी बड़ी गाड़ी आ जाए भाई, यह ऑफ रोडिंग सब के लिए खुला है ये वाला रोड पर। एक्चुअली है ही खतरनाक रोड, ये तो अभी थोड़ा सा बारिश आया ना इसलिए, नहीं तो पूरा पाउडर लगा देता आपको। आप अगर दिन में मेकअप नहीं करके निकलोगे ना तो यहाँ पे पक्का है कि आप एकदम गोरे चिट्टे बन जाओगे, पूरा पाउडर फुल एकदम नेचुरल पाउडर के साथ आपको यहाँ से भेजा जाता है, और आपको लगाना भी नहीं पड़ता, खुद ब खुद लग भी जाता है। तो ये वाला ऑफ रोडिंग की बात नहीं कर रहा था, और आगे एक है दूसरा, वो तो भाई बहुत अच्छा है यार, ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट है मुझे वही लगता है, मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूँ। शुरुआत करते हैं आप लोगों को ऑफ रोडिंग के बारे में बताने के। तो ये वाला जो रोड है वो 2015 से एक्चुअली, तब से वो ऑफ रोडिंग के नाम से जाना जाता है, मतलब पहले ही एक्चुअली रोड था और ऊपर से इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो पहले वो रोड ही था, फिर उसके बाद 2015 के बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ रोडिंग बन गया। और यहाँ पे उसके बाद रोड कभी बना ही नहीं, तो सभी लोगों ने उसको ऑफ रोडिंग ही मान लिया। प्रीटी एक्साइटेड, मज़ा आने वाला है, आप देखो आगे। तो बस शुरू, ले ऑफ रोडिंग के पहले ये क्या कुत्ता करने लग गया भाई, इधर ही कुत्ते को भी समझ में आ गया कि ये रोड नहीं है। तो ये देखो ऑफ रोडिंग यहाँ से शुरू,
कैसे गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ और बीच में बड़ा सा तालाब और दो नदी के बीच में से भी जा सकते हैं अगर आप जाना चाहो तो। यहाँ पे देखो बीच में दो नदी है, पानी में उतार दूँ क्या? अरे साला बहुत खड्डा है रे, अरे कितना बड़ा खड्डा है, ये तो पूरा नदी जैसा बन गया। हाँ कोई गाड़ी जाएगी ना तो आपको पर देख रहे हो, हर जगह पे नदियाँ ही नदियाँ हैं, सबको स्विमिंग पूल मिला है पर्सनल। ये रोड नहीं सॉरी ऑफ रोडिंग, यार मैं क्या बार बार गलती कर रहा हूँ, ये ऑफ रोड का बेताज बादशाह रोड है। यहाँ पे भी आपको फ्री में पाउडर लगाया जाता है गर्मी के सीजन में, देख रहे हो छोटा सा ये। चलो मैं अपनी बाइक उतार के देखता हूँ कितना अंदर घुसता है। ओ माय गॉड, आधा टायर घुस गया भाई इसके अंदर तो। लेकिन बापा देख रहे, जैसे ये जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, मतलब ये जीतो इको वगैरह वगैरह, पूरा अंदर घुस जाती है, इतना डेंजर रोड है इसमें। और ये बीच में रोड के बीच में पहाड़, इस पहाड़ को आप एक ट्रैकिंग पॉइंट का नाम दे सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ओ माय गॉड, ये तो हिमालयन पे भी पूरा हिला दे रहा है भाई। वो बाप रे बाप, अंदर से ना ऐसे वाले ऑफ रोडिंग पर ना पुर्जा पुर्जा हिल जाता है, डेंजर है यार। ऑफ रोडिंग के मजे लेना पड़ेगा। एक संतोष बिश्नोई है और अपने फराज स्टंट राइडर, इनको ये सबको ऑफ रोडिंग का बहुत मजा आता है। तो शायद वो हीरो एक्सपल्स वाले जो है ना कंपनी, उनको ऑफ रोडिंग का वो लोग ट्रेल वगैरह करवाते, तो यहाँ ही करवाना चाहिए, ये बेस्ट रहेगा सच्ची में। बाकी देखो गाड़ी यहाँ वहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ घूम घूम के आओ, असली मजा आने वाला है। आओ वाह गॉड, द बिगेस्ट खड्डा, वाओ ये तो बिगेस्ट खड्डा है, बड़े से खड्डे में माय गॉड, क्या मजा आ रहा है। देख रहे हो भाई स्विमिंग पूल देख रहे हो यहाँ पे। ये है हमारे प्यारे DNH के प्यारे ऑफ रोडिंग, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, नेचुरली प्रोवाइडेड, खड्डे पे खड्डा जो इधर से जाए फट जाए सबका चड्डा। एक दो अबे सबके लिए एक ना ड्रोन भी होता ना खतरनाक, ऐसे एक से एक खड्डे यहाँ पे। गाड़ी हमारे रोड पे नहीं चल रही, रोड के बाहर चल रही है क्योंकि यहाँ खड्डे ही इतने डेंजर है। ओ माय गॉड, आओ भाई कसम, एकदम कसम कर दिया भाई, ये सही चीज है, मजा आ रहा है। बाकी चलो जानवरों के लिए हो गया कि नेचुरल स्विमिंग पूल मिल गया है यार, हमारा ही जगह था, जानवर सोच रहे भाई साहब। देखो ना वो कॉलेज कैसी नाचते आ रही है सामने से, ये भाई ये सही चीज है। यहाँ सच्ची में ड्रोन भी लेने लायक है, मैंने यार ड्रोन ही नहीं लाया, नहीं तो ले लेता। वाह इधर तो म्यूजिक लगाना पड़ेगा, वाह भाई हिमालयन पूरी घुस जा रही है, तो छोटे बाइक्स का तो पता नहीं क्या होगा। देख रहे हो, ओह बाप रे बाप, देखा टावेरा कैसे खतरनाक तरीके से उतरा भाई, मैं गलती तो नहीं कर दी। अरे माँ कसम, अरे पूरा उसका इंजन टच हो गया भे पानी में, देखो ये देखो पूरा का पूरा इंजन टच हो रहा है, पूरा घुस गया अंदर, पूरा हिमालयन अंदर से घुस के निकल गया। सच में डेंजर भाई, पूरा का पूरा हिमालयन का भाई टायर अंदर घुस गया था। मेरे को लग रहा है यहाँ से आना ही गलत कर दिया मैंने, लेकिन दिखाना था मुझे कि भाई इंडिया का सबसे डेंजर वाला और सबसे ज़बरदस्त वाला ऑफ रोडिंग हमारे पास है और हम इसके लिए प्राउड फील करते हैं। सच्ची बोल रहा हूँ, पूरा पता है यहाँ तक पानी, ये सपोक्सर पूरा अंदर घुस गया, उतना पानी था। ओ वाह, ओ माय गॉड, थ्रू लव, ऑफ रोडिंग इज थ्रू लव भाई, मजा आ गया सच्ची में। सब लोग आ सकते हो यहाँ पे ऑफ रोडिंग के लिए, साइकिल बाइसिकल कार ट्रक व्रक लेके, लेकिन भाई आपके पास ऑफ रोडिंग बाइक हो तो और भी मजा आएगा। बस जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया। एक्चुअली मैंने अभी यार ये छोटे मोटे चीज़ें ना बताने नहीं वाला वीडियो में, मतलब अच्छा नहीं लगता यार, सब फालतू लगता है वीडियो के, हाँ सर्विस के लिए आइए, वो सब नया था तब चलता है, अब नहीं ये सब अच्छा लगता है। तो इसके लिए ना काम वाम को दिखाया नहीं मैंने, काम जो था वो कर लिया भाई, हो गया बस।
और अभी मैं निकल रहा हूँ वापस से। वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रहा था कि फ्री में पाउडर लगा के आपको गोरा कर दिया जाता है एकदम चमकदार। वो देखो ऐसे दिख रहा है पाउडर पूरे रोड पे। तो इस तरीके से आप फ्री में पूरा साल भर का पाउडर लगवा सकते हो एक ही दिन में। तो ये लोग गाइस मैं अपने घर पे पहुंच रहा हूँ रिटर्न। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। आज का ऑफ रोडिंग कैसा लगा, धमाकेदार लगा? बाकी चीज़ को इग्नोर कर दो, ऑफ रोडिंग के बारे में बात करो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। सुन राइड्स करेंगे हम लोग, बहुत लेट हो रहा है व्लॉग्स के लिए मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी व्लॉग आएंगे। एक बार शुरू हो जाते ना फिर उसके बाद व्लॉग आते रहते हैं। और मैं एक्चुअली क्वालिटी देना चाहता हूँ भाई, ये बकवास काम नहीं करना है जैसे जैसे व्लॉग डाल के इधर उधर का, ये वो फिर फालतू हो जाता है चैनल, एकदम डिग्रेड चैनल हो जाता है। तो वो मतलब नहीं है, इसीलिए मैं अच्छा काम करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग गाइस, और कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग और कीप वॉचिंग व्लॉग्स।